स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज में। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर तहसील बिसवा के अंतर्गत अटल चौक थाना कस्बा रेहू सत्तम्बौर रोड पे खड़ा हूं, पशु चिकित्सालय के पास, जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कस्बा रेहूसा में एक बिजली की शॉर्ट सर्किट, ऊपर दुकान से निकले तार 11,000 की लाइन से एक दुकान पान का खोखा जलकर खाक हो गया है। और रात की घटना है जैसा कि बताया जा रहा है, और का धू धू कर जलता रहा। और काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के, व्यापारियों के द्वारा फ़ोन करके बिजली कटाने के बाद उस पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान जलकर खाक हो गई। हम पूरी बात करते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है, गरीब की दुकान जलकर राख हुई है और मात्र कोयला बचा है, खोखा और पान की दुकान थी जैसा बताया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करते हैं और उस दुकानदार से, और यहाँ पर जो दुकान मालिक था, जो भी आता है वो निहारता चला जा रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है जैसा कि देख रहे हैं। पूरी बात करते हैं दुकान मालिक, रूबरू कराते हैं दुकान पीड़ित से। हमारे चैनल को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, खबरें को ले शेयर करें। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। बात करते हैं, ये पीड़ित हैं, दुकान जिनकी जली है। रामचंद्र नाम पिताजी का? राजा राम। कौन लोग हो? कौन लोग हो? तमोली। कहाँ घर है? रेउसा में। किस मोहल्ले में? नई बस्ती थाने के पीछे शिवनगर में है, कस्बा थाना लगता है। क्या हुआ, ये दुकान आपकी है? कैसे जली? बत्ती कनेक्शन था? हाँ, तो कैसे जली? तार बटा ऊपर से गया है। तो क्या तार ऊपर से निकला था दुकान के ऊपर से? तो दुकान कहाँ पर रखे थे आप? यहाँ पर खड़े हैं। एक किस जगह पर है? किस जगह पर है? अस्पताल से। अस्पताल वाला। अच्छा, कौन अस्पताल? हरहन वाला। हरहन वाला। तो आप कहाँ थे? थाने पीछे। रात में कहाँ सोए थे? घर पर। कितने का नुकसान हुआ है? 15। अच्छा, नकदी वगैरह तो नहीं थी? नकदी तो नहीं थी। 1,000 रुपया रहे। 1,000 रुपया दुकान में रखे थे? खोखा में। दुकान में क्यों रखे थे? तो कोई पैसा बंद करके चले जा रहा। कहाँ की दुकान थी? पान की दुकान। तो इसके लिए कोई थाने में या बिजली विभाग को सूचना दी? अच्छा, तो रात में जानकारी नहीं हुई थी? जानकारी भाई तो हम आए हैं, बड़ा कब आए थे? एक बजे। अच्छा, लगभग 15,000 का नुकसान हुआ आपके कहने पर। जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि करीब 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। रेउसा कस्बा नई बस्ती शिवनगर का निवासी बताया जा रहा है। मामला तम्बौर रोड रेउसा का है। पूरी तरीके से जलकर दुकान खाक हो गई है। और बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर से ये 11,000 की लाइन निकली हुई थी और केबल पड़ा हुआ था, जो स्पष्ट इस समय विद्युत के कर्मचारी यहां पर उसको ठीक करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि ये दुकान इसी शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक हुई है और उसको ठीक करते नजर आ रहे हैं लाइन मैन। जलती हुई दुकान की दुकानदार व्यापारियों के द्वारा कवरेज की गई है, जो लपटों में आप देखेंगे और देखकर दंग रह जाएंगे कि इस कदर से लपटें काफ़ी तेज थी। बिजली विभाग, बिजली लाइन की करंट से जो निकली चिंगारी और दुकान धू धू कर जलती रही, लपटों में आप देखेंगे, वहीं पर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है दुकान। व्यापारियों के अथक प्रयास से काबू पाया गया किसी प्रकार से लाइन कटा करके। अब नहीं बुती भैया, अब नहीं बुझ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सामान सब बच गया। तुम्हारी है दुकान? तुम्हारी है? दुकान पता नहीं, सामान है वो सब भरे नहीं है। अब बताया फायदा का है, सब बच गया यार। तार कहाँ पर है? यो पानी
छोटू कहीं की रहे, कहीं की रहे दुकान, कहीं की रहे दुकान, यहाँ दुकान कहीं की है, लियो भरो तो भर लो, भर लो इसको, भर बेटा जा लो। पूरी ऊपर पहुंची, उसमें एलटी भी तक पहुंची आग, बता दो सुबह देखे तो। हाँ बुती रहे,